ज्यादा दशरथ हासिल न हो सकी है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करके उनकी तहकीकात पर दशरथ हासिल करके मौलू साबत करूँ क्या मैं जिंदगी किताब सच्चा जिंदगानी गर्दिशे अफराद पैदा कर नहीं सकती। कुछ ऐसी हस्तियां भी दफन है कोई भी बाबा जी तारीगामी साहब आपका भी आज मराज कमराज एकेडमी की तरफ से डिग्री कॉलेज शुपियान में ये जो प्रोग्राम हो रहा है इसके कई सेगमेंट्स हैं। इन सेगमेंट्स में मुशायरा है, इन में एक पेपर रीडिंग सेशन है, इसमें किताबों पे तबसरा है, इसमें कुछ लोगों को अवार्ड मिलने हैं। तो मकसद इस आज की इस मजलिस का ये है कि हम उन लोगों को महफिलों तक रसाएँ दें जो अदब की तरफ आ रहे हैं, जो कश्मीरी के अलावा दूसरी ज़ुबानों में तबाज़माई कर रहे हैं, शेर लिख रहे हैं, पोइट्री कर रहे हैं, नावल लिख रहे हैं। हमारी तंजीम का बुनियादी मकसद यही है कि हमारे जो उभरने वाले फ़नकार हैं, हमारे जो उभरने वाले शायर हैं, हमारे उभरने वाले जो आर्टिस्ट हैं, हम उनको एक प्लेटफार्म दें। और आज की महफिल जो है ये इसी की अक्कासी करती है कि हम छोटे बच्चों को, उभरने वाले फ़नकारों को एक मौका दे रहे हैं ताकि वो अपने फ़न का मुजाहरा करें, अपने फ़न से मुतल्लिक हमें रोशनास कराएं और उनकी जो इमेजिनेशन है और उनका जो नुक्ते नज़र है ज़िंदगी से मुतल्लिक हो वो हमसे शेयर करें। बुनियादी मकसद तो यही है कि हम अदब की खिदमत करते हैं, बुनियादी मकसद इस तंजीम का ये है कि हम अपने कल्चर की खिदमत करते हैं।